तो दोस्तों आपको तो पता ही है 3 जून को बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की न्यू मूवी आ गई है जिसका नाम पृथ्वीराज है और साउथ के रॉकिंग स्टार यश की मूवी केजीएफ 2 14 अप्रैल को रिलीज हुई थी। तो आज हम देखेंगे कि पृथ्वीराज मूवी और केजीएफ 2 मूवी में से किसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केजीएफ चैप्टर 2 का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। दोस्तों केजीएफ 2 ने फर्स्ट डे हिंदी सिनेमा में 54 करोड़ की कमाई की थी और पहले दिन का टोटल कलेक्शन 134 करोड़ का था। और वहीं हम अक्षय कुमार की मूवी पृथ्वीराज का पहले दिन का कलेक्शन देखे तो हिंदी सिनेमा में सिर्फ 10 करोड़ का रहा है और टोटल कलेक्शन ओनली 17 करोड़ का है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड से कितना आगे निकल चुकी है, जहां एक दिन में केजीएफ 2 ने 134 करोड़ रुपए कमाए और केजीएफ 2 मूवी ओनली 100 करोड़ के बजट में तैयार हुई थी। वहीं अक्षय कुमार की मूवी पृथ्वीराज का बजट 300 करोड़ है, लेकिन इस मूवी ने सिर्फ एक दिन में 17 करोड़ रुपए कमाए हैं। अगर आप पृथ्वीराज मूवी के डे 2 की हिंदी सिनेमा की कमाई देखे तो वो सिर्फ 13 करोड़ की है, यानी 2 दिन में सिर्फ अक्षय कुमार की मूवी ने ओनली 23 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं केजीएफ चैप्टर 2 ने डे 2 में 46 करोड़ रुपए कमाए थे। तो इस जानकारी से आप समझ ही गए होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में ऊपर कौन है। दोस्तों अक्षय कुमार और रॉकिंग स्टार यश में से आप किसके फैन हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।